हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग कॉकलेस इंडिका 200 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में, लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फालिज पैरालिसिस, गर्दन की मांसपेशियों की कमजोरी, तथा मस्तक में भारीपन। ऐसा लगता है कि जैसे गर्दन की मांसपेशियां गर्दन का भार वहन करने में असमर्थ। कैल्केरिया फॉस 6x या 200 या विरेट्रम अल्बा 200 देने से लाभ होता है। कमर में पक्षाघात की तरह की पीड़ा और पुट्ठों में अजीब प्रकार की आड़ी तिरछी, और इसके कारण रोगी को चलने में रुकावट महसूस होती। इतनी कमजोरी रहती है कि रोगी को घुटने टूटने लगते तथा चलने के समय कपकपी आ जाती है, और ऐसा लगता है कि रोगी किसी एक तरफ को गिर पड़ेगा। कभी रोगी का पैर संज्ञाहीन हो जाता है तो कभी हाथ। भोजन करने के समय रोगी के हाथ कांपने लगते हैं, और हाथ जितने ही ऊपर उठते हैं कंपन में उतनी ही वृद्धि होती। कभी एक हाथ में तो कभी दूसरे हाथ में, इस प्रकार कि झुनझुनी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को स्पर्श ज्ञान नहीं रह जाता। बैठने के समय भी रोगी के तलवे संज्ञाहीन हो जाते तथा पीठ में दर्द के साथ पक्षाघात जैसी दुर्बलता महसूस होने लगती है। यहाँ पर उक्त जो लक्षण दिए गए हैं वे सभी एलन की इंसाइक्लोपीडिया और प्योर मटेरिया मेडिका से उद्धृत किए गए हैं। ये सभी लक्षण बहुत ही स्पष्ट और सरल हैं, और विद्वान चिकित्सकों के मत से अत्यंत समानता रखते हैं। यद्यपि इसकी क्रिया गति और हलचल को नियंत्रित करने वाली पेशियों तथा रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती, परंतु डॉक्टर हनीमन द्वारा निर्देशित आदेशों का अनुसरण कर साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस औषधि का उपयोग करना इतना सरल हो गया है, क्योंकि इस प्रकार औसत का आरोग्य लक्षण मिला दिया गया। रोगी के लक्षण मिलाकर इलाज करने की पद्धति भ्रम से पूरी तरह मुक्त है। स्नायु मंडल पर इस औषधि की क्रिया का वर्णन करने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है, यह शब्द है औसन्नता। लेकिन एकमात्र इसी का लक्षण पर निर्भर रहकर रोगी का इलाज हेतु इस दवा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अन्य कई दवाओं में भी रोगी के शरीर में भयंकर असन्नता पैदा हो जाती है, परंतु इससे इनमें से प्रत्येक औषधि की असन्नता अलग अलग ढंग की होती, तथा जो चिकित्सक यह सेखी बगाड़ते हैं कि वे लक्षणों पर ध्यान न देकर मात्र शरीर चिकित्सक शरीर तत्वों के अनुसार रोग की चिकित्सा करते हैं, वे होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग के बारे में अंधकार में रहते हैं। डॉक्टर हनीमन की शिक्षा के अनुसार ही होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। रोगी की स्थितियों में से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखता है। सारे शरीर में असन्नता और रीढ़ विकार संबंधी लक्षणों के अलावा उनके साथ साथ ही निम्न विशिष्ट लक्षण भी प्रकट होते हैं।
इसमें ने फाइलम 200, कास्टिकम 200 या 1000 नंबर, और लैक्सिस 200 या 1000 नंबर, लाइकोपोडियम 200 या 1000 या 10000 नंबर दाएं तरफ पैरालिसिस के लिए बहुत लाभकारी। मस्तिष्क में एक प्रकार का भ्रम पैदा अथवा मस्तिष्क की संज्ञाहीनता जो खाने पीने पर बढ़ जाती। मस्तिष्क में भ्रम तथा चक्कर आना जिससे रोगी ऐसा लगता है जैसे उसने कोई नशा कर रखा हो। रोगी जैसे ही बिस्तर पर बैठता है उसका सिर घूमने लगता है और इसी कारण रोगी पुनः लेटने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ता है। रोगी को मितली आती है और सिर में पीड़ा बढ़ जाती है और उल्टी की इच्छा बनी रहती। गाड़ी या नाव में सवारी करने पर रोग के ये लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। जहाज पर मितली आने की शिकायत डेक पर ठंडी हवा लगने से घट जाती। टबैकम 200 देने से लाभ होता है। काकुलस 200 में रोगी के सिर में जो दर्द होता है और जिस प्रकार के चक्कर आते हैं उनका रूप ब्राइनिया 200 में होने वाले सिर दर्द और चक्कर में बहुत भिन्न होता है। यद्यपि इन दोनों में ही औषधियों में बिस्तर पे से उठकर बैठते ही सिर में दर्द होता है और चक्कर आने लगता है, परंतु इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ब्राइनिया 200 तथा अन्य कई औषधियों जैसे आयरिस वर्स 30 या 200 कोनियम मैकुलेटम 200 इपिकाक 200 नक्सोम का 200 देने से लाभ होता है। औषधियों में सिर दर्द के पूर्व पेट में मितली की अनुभूति होने लगती है, लेकिन काकुलस का इंडिका का 200 का लक्षण इसके विपरीत होता है, क्योंकि इसमें माथे की कमजोरी के साथ मस्तिष्क में खालीपन का एहसास होता है। वस्तुतः यह खालीपन दुर्बलता की दूसरा रूप है और काकुलस इंडिका 200 का एक विशिष्ट सामान्य लक्षण माना जाता है तथा यह मस्तिष्क उदर आंत वक्ष माथा हृदय पिंड आमाशय या संक्षेप में सभी आंतरिक भागों में उभरने लगते हैं। काकुलस इंडिका 200 में सिर की पीड़ा के साथ जो लगातार मितली भी बनी रहती है और कोल चिकम 200 के लक्षण से बहुत मिलती है।